स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक विद मनु में। आज हम बनाने वाले हैं एक मीठी सी रेसिपी, मीठी सेवइयाँ। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली होती है और साथ ही में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा और ये वीडियो पूरी देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक भी करना। तो मैं यहाँ पर पहले इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए ये एक कटोरी सेवइयाँ, ये रोस्टेड सेवइयाँ हैं, आप कोई सी भी सेवई ले सकते हैं। इसके साथ ही मैंने एक बड़ा चम्मच घी लिया है, 8 से 10 काजू और बादाम ले लिए हैं मैंने। इसके साथ ही कुछ किशमिश लिए हैं मैंने, जिन्हें हम मुनक्का भी कहते हैं। और यहाँ पर मैंने एक बड़े चम्मच लिए शक्कर। शक्कर मैंने बहुत ही कम लिए क्योंकि मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं कम मीठा खाना चाहती हूँ इसलिए। और ये मैंने लिया 1/2 लीटर दूध। दूध के साथ ही मैं थोड़ा पानी भी यूज़ करूँगी, दूध ही दूध में बहुत ही गाढ़ी हो जाती है इसलिए मैं पानी ले रही हूँ, आप चाहें तो पानी ना भी लें। गैस पर मैंने ये पैन रख लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी एक बड़ा चम्मच घी। घी को हम थोड़ा गर्म करेंगे, गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है। घी जैसे ही गर्म हो जाता है मैं इसमें डाल दूँगी काजू और बादाम, इन्हें हम फ्राई करेंगे। काजू बादाम को हमें सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है, और इन्हें चलाते रहना है ताकि ये एक ही साइड से जल ना जाए। इन्हें कंटिन्यू चलाते हुए मैं 1 मिनट तक फ्राई कर लूँगी और फ्राई करने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। तो देखिए ये हो गई हैं गोल्डन ब्राउन लगभग, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो काजू और बादाम को मैंने निकाल लिया है। अब बारी आती है किशमिश की, तो गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और इसमें डाल देंगे ये किशमिश। इन्हें मैं सिर्फ 15 सेकंड के लिए डालूंगी और बिल्कुल चलाते हुए जल्दी से निकाल लेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगी और इसका टेस्ट बिगड़ जाता है बहुत ही। तो ये हो चुके हैं, अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। अब सेम घी में मैं डाल दूँगी रोस्ट की हुई सेवइयाँ। ये मैंने रोस्टेड सेवइयाँ ली हैं, आप चाहें तो बिना रोस्ट वाली सेवइयाँ भी ले सकते हैं और उन्हें भी घी में फ्राई कर सकते हैं, उन्हें अलग से रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़्यादा देर इन्हें नहीं फ्राई करना है घी में क्योंकि ऑलरेडी रोस्टेड हैं। 1 मिनट तक चलाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी दूध। दूध मैंने डेली यूज़ वाला लिया है, जो हम डेली में यूज़ करते हैं, जिसे हम एक बार गर्म करके ठंडा कर लेते हैं वो लिया है मैंने। इसे दोबारा गर्म नहीं किया है, इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। गैस का फ्लेम लो मीडियम ही रखेंगे, हाई नहीं करना है। अब इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे और दूध का गर्म होने का वेट करेंगे। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 कप पानी, अगर आप चाहें तो पानी स्किप भी कर सकते हैं। मैंने दूध में बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, तो बहुत ही गाढ़ा दूध था इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने काजू बादाम किशमिश को अलग अलग कर लिया और इन्हें अच्छी तरीके से कट कर लिया है जैसे शेप में मुझे चाहिए। हम इन्हें फ्राई करने के बाद ही कट करते हैं क्योंकि अगर हम कट करने के बाद फ्राई करेंगे तो ये तेल में ही, ऑयल में या घी में रह जाते हैं, जिन्हें निकालना मुश्किल होता है और वो टेस्ट भी बिगाड़ते हैं। यहाँ पे हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। दूध गर्म हो गया है, हल्का सा होने भी लगा है, हमें ऊपर से दिख रहा है। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। तो शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, कम या ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ज़्यादा शक्कर हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ी कम शक्कर ही डालें। इसे भी मिला लेंगे। अब सेवइयाँ पूरी तरीके से कुक हो गई हैं, हमें दिख गई हैं, इन्हें अच्छी तरीके से मिला लिया है हमने। और अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो सबसे पहले मैंने बादाम डाल दी हैं, आप चाहें तो एक्स्ट्रा में कुछ रख भी सकते हैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए, मैं इसी में डाल रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी कुक हो जाती हैं तो अच्छी लगती हैं। काजू और बादाम मैंने डाल दिए हैं, इन्हें अच्छी तरीके से मिला लेंगे। दूध में भी बहुत ही अच्छा बॉयल आ रहा है,
इसके साथ ही इसमें हम किशमिश भी डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और आप अगर और भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। कट करके आप कोकोनट भी डाल सकते हैं, उसे भी थोड़ा फ्राई कर सकते हैं। तो ये लगभग पूरी तरीके से कुक हो गई है। आप शक्कर टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको कम लग रही है तो थोड़ी बढ़ा लीजिए। ये रेडी हो गई है। हमें इसको बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेज पे ले जाके बंद नहीं करना है कि हमें इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए, उससे पहले ही हमें इसे बंद कर देना है क्योंकि सेवैयाँ बाद में और गाढ़ी होती जाती हैं। इसलिए ये मैं यहीं पे गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ अब। तो ये तैयार हो चुकी हैं हमारी मीठी सेवैयाँ, बहुत ही अच्छी लगती है ये। कभी कभी मीठा खाने का मन करता है तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो ये रेडी हो गई है, अब आप इसे सर्व कीजिए। पहले इसे ठंडा होने दीजिए, इसके बाद आप चाहें तो इसे फ्रिज में रखें फिर सर्व कीजिए, या बिना फ्रिज में रखें आप इसे सर्व कीजिए। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में कुक विद मनु पर। तब तक के लिए जुड़े रहिए कुक विद मनु से। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।